हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी जूलॉजी एनर्स पार्ट टू का कंप्लीट हम लोग सिलेबस जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूलॉजी जो एनर्स है इसमें जो है पेपर थ्री में हम लोग को क्या पढ़ना है उसको देखें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसमें पेपर थ्री क्यों लिखा गया है और इसमें जो है क्या क्या पैटर्न रहता है, कैसे एग्जामिनेशन होते हैं इस पर। तो सभी लोग जानते हैं कि पेपर वन और पेपर टू जो है आप पार्ट वन में पढ़ लिए हैं और यहाँ पर जो पार्ट टू है इसमें पेपर थ्री और पेपर फोर पढ़ना है। दो जूलॉजी अनर्स पेपर होता है, पेपर थ्री और पेपर फोर। तो यहाँ पर पेपर थ्री और पेपर फोर दोनों का हम लोग कंप्लीट जो है सिलेबस जानेंगे, जो कि आपके बिहार यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पर टाइम जो है 3 आवर्स रहता है, फुल मार्क्स 75 होता है थ्योरी का और दोनों अनर्स पेपर का मिला करके 25-25-50 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आप जो है 1x15 पूछा जाता है और अल्टरनेटिव शॉर्ट आंसर रिक्वायरिंग क्वेश्चन जो है 3x5 पूछा जाता है। ठीक है, अब ग्रुप ए की तो बात हो गई जिसमें कोर डाटा पढ़ना है। अब कोर डाटा के बाद जो है ग्रुप बी में क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। तो ग्रुप बी में जो है पढ़ना है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स और दो में बायोनेमिक्स, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स लिविंग अप टू ऑर्डर। प्रोटोकॉर्डेटा है, क्लाइसो एस्टोमाटा है, पिसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एविज है, मेमेलिया है, इस सब के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट उसके आगे आए तो हम लोगों थ्री नंबर में जो है स्टडी ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स यूरोकॉर्डेटा पढ़ना है, ओ हार्डेमिनिया एंड स्लैपा पढ़ना है और सी फेलोरोकॉर्डेटा पढ़ना है, एम्फीओक्सस पढ़ना है, साइक्लो एस्टोमाटा पढ़ना है, पेट्रोमाइजोन पढ़ना है, पिसेस पढ़ना है और जो है इसमें आगे देख लीजिए एस्कोलीडॉन पढ़ना है एंड लेबो और एनी बॉनिफिस पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटीज ऑफ डिप्नोई पढ़ना है। अब बात करें हम लोग ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में जो है हम लोग को पढ़ना है एम्फीबिया जो है इसमें नियोटेनी और उसके बाद जो है 5 में रेप्टिलिया पढ़ना है जो कि इसमें कंप्लीट पढ़ना है, गार्डन लिजार्ड फर्स्ट और 2 में फीडिंग एंड बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक्स ये सब पढ़ना है हम लोग को और 6 में जो है एविज पढ़ना है जो कि कुलुम्बा है, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स है, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स है। 7 में जो है मेमेलियाज, कैरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया एंड मेलाथेरिया ये सब पढ़ना है और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स पढ़ना है। तो ये था हम लोग का जूलॉजी अनर्स पेपर थ्री जो कि पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए था। आइए अब हम लोग जो है अनर्स पेपर फोर जो होता है इसमें कंपरेटिव वर्टिब्रेट पढ़ना है, एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी जो है यह पढ़ना है। इसमें टाइम 3 आवर्स होता है, फुल मार्क्स जो है वह 75 होता है। ग्रुप ए की बात करें हम लोग तो इसमें भी उसी तरह पेपर थ्री के जैसा ही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1x15 विद अल्टरनेटिव शॉर्ट आंसर रिक्वायरिंग क्वेश्चन 3x5 जो है यह पूछा जाता है। अब ग्रुप बी की चर्चा कीजिए तो ग्रुप बी में जो है हम लोग को कंपरेटिव एनाटॉमी जो है यह पढ़ना है। उसके बाद देख सकते हैं कंपरेटिव एनाटॉमी के बाद जो है ग्रुप सी की बात किया जाए तो ग्रुप सी में जो है इसमें तो कंपरेटिव एनाटॉमी में देख लीजिए स्टडी ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन सिस्टम इन मेजर वर्टिब्रेट ग्रुप, इंटीग्यूमेंट के बारे में पढ़ना है, इट्स डेरिवेटिव्स एंड फंक्शंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, थ्री में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बाद हार्ट एंड ऑर्टिक आर्चेस है, किडनी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स एंड गोनाड्स ये सब के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। अब ग्रुप सी की चर्चा कीजिएगा तो ग्रुप सी में एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है। एम्ब्रायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, एग टाइप्स ऑफ ईयरली क्लीवेज पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्फीओक्सस पढ़ना है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलियम, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 3 जर्मिनल लेयर्स जो है ये पढ़ना है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें जो है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक और 6 में प्लासेंटा इन मेमेलियाज डेवलपमेंट टाइप्स एंड फंक्शंस और 7 में जो है वो पढ़ना है कि ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हार्ट ब्रेन एंड आई इन चिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट समझ गए होंगे कि पेपर थ्री जो है उसके बाद जो पेपर फोर है इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग पार्ट टू का जो जूलॉजी अनर्स का हमारा जो क्या है प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो प्रैक्टिकल जो है इसका वह 6 आवर्स का होता है, फुल मार्क्स इसमें 50 रहता है। मैं शुरू वीडियो के शुरुआती दौर में ही जो है बताया हूँ कि इसमें जो है हम लोगों को
50 मार्क्स का प्रैक्टिकल देना रहता है, 25 जो होता है वह पेपर थ्री का और 25 जो है पेपर फोर का। तो थ्री और फोर दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ होता है, टोटल हमारा 50 मार्क्स का होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे और आप लोग इस प्रैक्टिकल के सिलेबस को भी देख लीजिए। तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है ये 6 आवर्स का तो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो है डिसेक्शंस होता है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वह होता है कि स्केलेटन और एनी बॉनी फिश, यहाँ पर जो है एफिनेट एंड डिफिनेट ब्रांचियल वेजल्स भी और बहुत सारा चीज़ जो यहाँ पर लिखा गया है आप लोग देख लेंगे। फ्रॉग में भी है, कार्नियल नर्व्स और लिजार्ड भी है और पिजन भी है, मैमलियाज है, नेक नर्व, यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स। आप लोग अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल रूम में गए होंगे तो वहाँ पर बहुत सारा जो है एनिमल्स रखा रहता है, चाहे बॉनी फिश हो, फ्रॉग हो, लिजार्ड हो, मैमलियाज हो, सबको जो है एक विशेष केमिकल में जो है उस सबको संरक्षित करके रखा जाता है। तो प्रैक्टिकल उसी के माध्यम से होती है बिहार यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर जो है आप लोग को सब टीचर्स के द्वारा जो है डायरेक्शन दिया जाता है कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल होता है। और सेकंड जो है वह है माउंटिंग, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, स्केल्स ऑफ फिशेस, फीडर्स, ब्लड फिल्म, माउंटिंग ऑफ चिक एम्ब्रायो 24 एंड 48 आवर्स, ठीक है, ये होता है। और थ्री जो है परमानेंट स्टैंड प्रिपरेशन ऑफ पैराफिन सेक्शंस प्रोवाइडेड, 5 मार्क्स का होता है। और नीचे भी वहीं लिखा गया है, स्पॉटिंग, म्यूजियम स्पेसिमेन हो गया, स्लाइड्स हो गया, हिस्टोलॉजी निम्रायो, सबका बगल में मार्किंग लिखा गया, मार्किंग भी आप लोग देखते चलिए 22 2+2 मार्क्स। नीचे जो है वह है कि रिकॉर्ड एंड फील्ड वर्क आप किए होंगे उसका 5 मार्क्स होता है, भाईवा का जो है 5 मार्क्स होता है। तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग बीएससी जो पार्ट टू के स्टूडेंट है जूलॉजी अनर्स कर रहे हैं उनका कंप्लीट जो है हम लोग पेपर थ्री का और पेपर फोर का दोनों अनर्स पेपर का जूलॉजी का कंप्लीट हम लोग सिलेबस जान गए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी सिलेबस जो है हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जान गए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 11th 12th एंड बीएससी जूलॉजी अनर्स हो, बीएससी बॉटनी अनर्स हो, पार्ट वन हो, पार्ट टू हो, पार्ट थ्री हो, सभी का वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिलेगा। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने जो दोस्तों हैं वहाँ तक तो वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनका भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, आगे अगर किसी भी अदर्स टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इसी तरह आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपने बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री सभी का स्टडी कीजिए। एंड इस चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर बहुत अधिक जो वीडियोज़ हैं बीएससी जूलॉजी हो या बॉटनी हो सभी के अपलोडेड है, वहाँ से देख करके अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो।